हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोशार्चिंग प्लॉट टेस्ट कार्ड 3। यानी आज की इस वीडियो में हम रोशार्चिंग प्लॉट टेस्ट कार्ड 3 के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कार्ड 3 कौन सी पर्सनैलिटीज़ को शो करता है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, जैसा कि बाकी कार्ड्स की तरह कार्ड नंबर 3 ये भी ब्लैक और रेड इंक का बना होता है। कार्ड नंबर 3 सिंबलाइज करता है कि एक आदमी का दूसरे पर्सन के साथ किस तरह का रिलेशन है, यानी ये सोशल इंट्रैक्शन के बारे में बताता है। इसके जो कॉमन रिस्पॉन्सेज हैं उन रिस्पॉन्सेज में जो कुछ बेसिक रिस्पॉन्सेज शामिल है वो यही है कि दो आदमी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, या एक पर्सन खुद को एक मिरर में देख रहा है, या वो इस कार्ड को देख के ये कहते हैं कि हमें इसमें बटरफ्लाई दिख रही है। अगर लोग इसमें दो आदमी को आपस में देखें, यानी दो लोगों को देखें, तो ये चीज शो करता है कि उन लोगों का आपस में रिलेशन किस तरह का है। अगर वो देखें कि दो आदमी आपस में खा रहे हैं, यानी खाना खा रहे हैं, तो इसका मतलब वो उनका जो सोशल रिलेशन या सोशल लाइफ है वो नरिशिंग हो रही है, यानी अभी उनकी लाइफ की परवरिश हो रही है, यानी उनकी ग्रोथ हो रही है। अगर वो लोग ये देखें कि दो आदमी आपस में जो है हाथ धो रहे हैं, तो इसका मतलब उनका जो रिलेशन है वो इनसिक्योर है, यानी कहीं ना कहीं उनके रिलेशन में जो है कुछ अजीब फीलिंग्स हैं, कुछ शक है, यानी शक की फीलिंग्स उनके मन में कहीं ना कहीं उस रिलेशन को लेके हैं। अगर लोग इसको इस तरह से देखें कि दो आदमी आपस में गेम खेल रहे हैं, तो इसका मतलब उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, उनके रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को वो फेस करते ही जा रहे हैं। अगर लोग इसमें ये देखें कि एक आदमी खुद को एक आईने में अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है, तो ये चीज़ इस चीज़ को शो करता है कि वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन का शिकार है, यानी वो खुद में ही गुम है और वो दूसरों को नहीं जानता। अगर दूसरों को जानता भी है तो उनको नज़रअंदाज कर देता है, यानी अगर उनका दोस्त भी उनके सामने आ जाए तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स कार्ड नंबर 3 को देख के हमें पता चलती हैं और इससे हमें उन पर्सनैलिटीज के बारे में भी मालूम होता है। सो आई होप आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।